तैयार है देखिए, तो इसी तरह से बच्चों को देने जा रहे हैं। तो आप लोग कहते हैं खाकर नहीं दिखाते, तो देखिए जैसे सरगम को हम खिला रहे थे, तो हम हर समय नहीं सोचते हैं खाकर बच्चों को दिखाएं पहले, तो बच्चे जैसे रहते हैं वैसे वीडियो में आ जाते हैं। तो अभी हम तैयार करने चले हैं, साक्षी को भी नाम आना बाकी है। तो साक्षी बोलिए जी मम्मी, तो आप लोग के अगले वीडियो में हम दिखाएंगे। साक्षी बोलते हैं हम स्कूल जब जाते हैं तो हमारा रिकॉर्डिंग पापा नहीं करके दिखाते हैं सभी लोग को। वो किस स्कूल में पढ़ती है, कहाँ पे जाती है, पहले सब वीडियो में आप लोग को बताएंगे हम पहले। आप वीडियो में बने रहिएगा। स्कूल में जाती है तो कहती है मम्मी हमारे स्कूल में प्रार्थना भी होता है, तो हम वो सब भी आप लोग को दिखाएंगे पहले। आप लोग स्कूल देखेंगे तो इसका स्कूल देख कर खुश हो जाएंगे आप लोग, किस स्कूल में जाती है पहले। देखिए इस तरह से बन गया है, तो घर में आप लोग भी आइए खा लीजिए इस तरह से। और चलिए फिर नए वीडियो के साथ आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आज संध्या के किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब, आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। जितने माताएं बने भैया हमारे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। अब वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, एक लाइक बगल में लाल घंटे उसको जरूर दबाए, जाके सबसे पहले रेसिपी आप लोग को हमारा मिले। तो चलिए आज हम बनाएंगे चने के सत्तू के, आज हम बनाएंगे जैसे बाजार में देखते हैं कि घाटी बिकता उस तरह से बनाएंगे, बिल्कुल आसान तरीका बनाना। अरे आप लोग बिल्कुल बनाएंगे उसी तरह से जैसे हम बताएंगे आप लोग को, तो मार्केट जैसे आप लोग का होगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने बाटी बनाने के लिए यहाँ पे देखिए ले लिए हैं 3 पीस प्याज, हमने बिल्कुल छोटे साइज में काटे हैं। यहाँ पे लहसुन को कलबट्टे में दरवे कूट लिए हैं, अदरक को छोटे साइज में कूट लिए हैं, यहाँ पे धनिया पत्ती है। इसको डालने के बाद से आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक थाली लिए हैं, एक थाली में हम डालेंगे चने के सत्तू। चने के सत्तू भुना होता है पहले से, अब इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ती। धनिया पत्ती डालने के बाद अदरक डालेंगे, अदरक डालने के बाद इसमें डालेंगे लहसुन को, लहसुन को डालने के बाद यहीं पर हम डालेंगे प्याज को। इन सभी चीजों को हमने अच्छे से इसमें डाल लिए हैं। डालने के बाद अब यहाँ पे डालेंगे हम आधे चम्मच हल्दी पाउडर, यहाँ पे डालेंगे आधे चम्मच हमने लाल मिर्ची पाउडर, स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे। तो नमक इसमें हमारा डिब्बा मक्का खत्म हो गया है, इस समय नीचे से लाके सारे मसाले इसमें भरना है। अब यहीं पे हम डालेंगे, देख रहे हैं कि मेरे कश्मीरी पाउडर डाल दे रहे हैं। उसके बाद डालेंगे इसमें हम गरम मसाले, जब देखते हैं कि डिब्बे खाली नहीं रहता तो हम इसको कागज में रख दिए थे मसाले को। अब यहाँ पे डालेंगे, देख रहे हैं 2 नींबू का रस के भी इसमें हम डाल देंगे। तो आप लोग जैसे देखते हैं कि इसमें भरवा मिर्चा भी डाल सकते हैं, खटाई हो आम के उसमें मसल के डाल सकते हैं, बाकी इसमें नींबू हो और चाहे भरवा मिर्चा हो, 2 चीज इसमें जैसे रहता है आसान तरीका है। अब इसको हाथ से मिलाएंगे, इसको अच्छे से इसमें मिला लेंगे। इसमें हाथ से मसलेंगे हम, देख रहे हैं जीरा यहाँ पे लिए हैं, जीरा डालने के बाद से इसमें हींग को काफी जरूरी रहता है डालना घाटी में, हींग को इसमें ढेर सारा हम हींग डाल रहे हैं। थोड़ी सा इसमें देखिए चुटकी से आप देखिए तो 2 चुटकी हींग हमने डाले हैं। अब यहाँ पे डालेंगे हम, देख रहे हैं सरसों के तेल डाल के इसको अच्छे से हमने मोयंग करेंगे। तो सरसों के तेल इसमें हम चम्मच से, बड़े चम्मच से 2 चम्मच डाले हैं। तो गांव में जैसे रहता है सभी लोग अंदाज से अपने डालते हैं, नापते नहीं है, जल्दी अंदाज से डाल लेते हैं सभी लोग। अब इसको देखिए इस तरह से इसका मसाले हम तैयार कर ले रहे हैं मसल के। जवाइन और मंगरेल को डालकर अच्छे से मिला लिए हैं। ये आपका ये अभी भरभरा है तो हल्के से हम क्या करेंगे, पानी लेंगे हाथ में, इस तरह से पानी कर इसको अच्छे से इसका मोयंग बिगड़ेंगे इस तरह से। ये मसाला हमारा काफी चटपटे टेस्टी बन के तैयार है। आप इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, बाकी बच्चों के लिए जैसे देखते हैं जब भी हम नाश्ता कोई बनाते हैं तो बच्चों के बारे में सोचना पड़ता है कि बच्चे नहीं खाएंगे तो बड़े लोग खाकर क्या करेंगे। तो साक्षी सबसे पहले बोली कि मम्मी इसमें डालना नहीं, तो साक्षी आकर देखिए देखती है कि हम मिर्चा डाल रहे हैं कि नहीं पहले, तो बैठी यहाँ पर देखिए। तो साक्षी को मिर्चा बिल्कुल नहीं पसंद है तो इसलिए हम नहीं डाल रहे हैं इसमें। नहीं तो हरी मिर्ची आपको तीखे खाते हो तो हरी मिर्ची इसमें काट कर डाल सकते हैं, बाकी हरी मिर्ची भी जब भी डालते हैं देखते हैं बच्चों को उठवा रहता है, तो खलबट्टे में हल्के से दरवरे कूट कर उसके बाद डालिए। यहाँ पे देखिए हमारे घाटी का मसाला तैयार हो चुका बन के। चलिए अब डो लगाएंगे।
हलवाई जैसे देखते हैं कि हल्दी पाउडर डालते हैं, नहीं कोई नहीं डालते हैं। हल्दी पाउडर डालने से मसाला जो हमारा है, कलर भी इसका काफी अच्छा लगता है देखने में और टेस्टी भी बहुत ज्यादा लगता है। कोई भी चीज में हल्दी हम जब डालते हैं, देखते हैं कि नमक वाला बनाते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है खाने में भी देखने में भी। ये देखिए, बिना हल्दी का कोई भी चीज रहता है तो अच्छा नहीं लगता देखने में। देखिए हमने बना दिए हैं, तो आप चाहते हैं तो इसका इसी तरह से गोला भी बना के रख सकते हैं। देखिए आप इस तरह से, नहीं तो इस तरह से गांव में कोई लोग गोला नहीं बनाते, सभी लोग उसी तरह से भरते जाते हैं। तो अब हम मसाले को यहाँ पर डो लगाएंगे आटे के, इसको ढककर इस साइड में रख दे रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे, उसमें नमक थोड़ा सा हल्के रखे हैं, इसमें हम थोड़ी सा नमक डालेंगे आटे में। गेहूं का आटा यहाँ पर हमने लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, आधे चम्मच यहाँ पे बेकिंग पाउडर हम डाल दिए। इसमें हलवाई भी जैसे देखते हैं बेकिंग पाउडर डालते हैं। अब इसमें हम डालेंगे जो आएगा मंगरेल को, अब डालकर इसको अच्छे से मिलाएंगे पहले हाथ से। इस हाथ में मेरे मसाला लगे भी धोए नहीं है। आप लोग कमेंट में मत कहिएगा कि बाएं हाथ से क्यों मिला रही हैं आप। अब इसमें हम रिफाइन तेल डालेंगे 2-3 चम्मच, इसी तरह से हलवाई भी बनाते हैं। तो अच्छे से इसका मोयंग हम देकर तैयार कर दे रहे हैं। अभी देखिए मोयंग हमारा अच्छे से हो गया है। अब हाथ में जैसे देख रहे हैं कि इस तरह लगाने पे अच्छे से देखिए मोयंग तैयार है। इसको बस जैसे मसाला इसका तैयार करने में जो लेट लगता है वही लगता है ना, तो इसको बनाना बहुत आसान तरीका, बहुत जल्दीबाजी में बन भी जाता है, बस मसाले में जो लेट लगता है इसका। और सारे हम गेहूं के जैसे सत्तू के हम आप लोग को घाटी बनाए रेसिपी, तो उसको जैसे मसाले को भून कर बनाए हैं, तो इस बार हम सोचे कि आप लोग को एक अलग तरीका से बना के दिखाएं। अब इसमें हम थोड़ी थोड़ी पानी डालकर इसका डो तैयार कर ले रहे हैं। आप मैदा भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम गेहूं काटे का डो लगा रहे हैं तो आप मैदा भी ले सकते हैं। तो अच्छे से आटे को गूंथ ले रहे हैं, जैसे रोटी का डो तैयार करते हैं उसी तरह इसका भी डो तैयार करेंगे। तो मसल मसल के यहाँ पे डो हमने तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे छोटे छोटे हमने गोले बना लिए हैं, देख रहे हैं ये गोलों को हमने क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे, पहले दबाएंगे। एक गोले उठाएंगे, इसके अंदर डालेंगे, तो हलवाई लोग बिल्कुल इस तरह से करते हैं, ज्यादा देर तक वो चिकना नहीं करते हैं, बस इस तरह से दबाते जाते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से बन के तैयार है, फिर और आप लोग को दिखा दे रहे हैं। देखिए इस तरह से हमने लिए हैं, फिर खरीदा है लोई, इसको इस उठाएंगे, बस इसी तरह करते जाएंगे, इसको हाथ से इस तरह से दबा देंगे। दबाने के बाद से देखिए इस तरह से हमने देखिए इस तरह से हमारा बिल्कुल हलवाई जैसे खरबूजा वाला घाटी बन रहा है। हलवाई लोग इसी तरह से बिल्कुल बनाते हैं, फिर इसको हाथ से इसी तरह दबा देंगे। गोले बिल्कुल हम नहीं बनाएंगे, बस इसी तरह से करते जाएंगे। इसमें हम इसी तरह से लेंगे मसाले, जैसे कम बेसी डालना है, सभी को इसी तरह से बना लेना है। देखिए इस तरह से बस मोड़ना है, इस तरह से हलवाई लोग मोड़ देते हैं। अब मोड़ते हैं तो जब मोड़ के उसके बाद तुरंत हाथ से दबा लेते हैं। देखिए इस तरह से हम दबाते जाएंगे, प्याज हमारा जल गया है तो इसमें हम डालेंगे रिफाइन के तेल। आप सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। यहां हम चेक कर लेंगे तेल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं। तेल काफी अच्छे से गर्म हो चुका है,
एक बार में जितना आएगा उतना हम पकाएंगे, तो मीडियम आंच पे बिल्कुल हम पकाएंगे इसको। हलवाई लोग मीडियम आंच पे पकाते हैं तो उनका काफी कुरकुरे बनता है, खस्ते बनता है। एक साइड में जो खाली है वहां पे भी हम डाल दे रहे हैं इसको, तो एक बार में 5 को हो रहा है यहाँ पे। देख रहे हैं कि घाटी बनकर तैयार है, बिल्कुल मार्केट जैसे घाटी बना है, खस्ते कुरकुरे। इसको अब हम निकाल लेंगे यहाँ पर। तो देखिए कितनी अच्छी बनकर तैयार है, तो इसको हम निकाल लिए। फिर इसी में जो बाकी का बचा है सभी हम इसको हम इसी तरह से पका ले रहे हैं। तो इसी तरह से हम चल रहे हैं, फिर सारे बना लेंगे, फिर आप लोग से मिलते हैं बनाकर। साइड में रखने के बाद से इसी तरह से सारे डाल लिए हैं, तो बिल्कुल मीडियम आंच पे इसको हम पका ले रहे हैं। घाटी हमारा बन गया तैयार है, आप लोग देख सकते हैं। तो गर्मे गर्मे घाटी इस तरह से देखिए, मर्चा भी यहाँ पर हमने छान लिए हैं, छान कर इसमें देख रहे हैं अभी अभी इसमें हम नींबू यहाँ पे काला नमक मिलाकर इसको मर्चा को रख लिए हैं। तो जिसको तीखा पसंद हो तो मिर्ची इस समय से भूज के इस तरह से रख सकते हैं। यहाँ पर देखिये मीठी चटनी भी हमारा बना है, इसी तरह से दे रहे हैं। तो सरगम देख रही है, खा भी रही है, बस आप दिखाइए सरगम खा भी रही है यहाँ पर। सरगम कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो आज का वीडियो हमारा आप लोग को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल ना भूले, एक लाइक करके जाइए। तो चलिए फिर नए वीडियो के साथ आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।